नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में सवाल पूछा हुआ है क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ दिस प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द दैट एट द सर्फेस ऑफ अर्थ दोनों का जी बराबर दिया है इंटरेस्टिंग uh, सवाल है इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ आर देन द रेडियस ऑफ दिस प्लानट विल बी तो उसकी डेंसिटी हमें दी हुई है ट्वाइस uh, है जी बराबर है रेडियस पे हमें रेशियो बताना है सिंपल सवाल सो so, हमें ये पता है जी को हम लिखते हैं दिस इज जी एम बाय आर स्क्वायर इसको अगर डेंसिटी की टर्म में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ये मास हो गया मल्टीप्लाइड बाय जी बाय आर स्क्वायर सो जी की जो अपनी वैल्यू आ गई दिस विल बी फोर बाय थ्री रो जी आर सो so, ये अपना रिलेशन uh, हो जाएगा नोटिस कीजिए ये आपके डेंसिटी और रेडियस uh, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमें इस सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का जी बराबर है लेकिन उसकी डेंसिटी डबल uh, है विच मीन्स जी ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय जी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लानट मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ प्लानट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ मल्टीप्लान बाई रेडियस ऑफ अर्थ सो ये जी क्या कैंसिल हो जाएगा इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं सो इम्प्लाइज रेडियस ऑफ प्लान डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ विल भी इक्वल टू ये हो जाएगा प्लान डिवाइड बाई अर्थ सो दिस विल बी रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ प्लान सो दिस विल बी वन बाई टू विच मीन्स उसका रेडियस जो आएगा दैट विल भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं